दोनों ही स्टूडेंट्स कल अपने आप के लिए टॉपिक डिस्कस किया था मीजल्स डिसीज के बारे में, कौन सी थी, मीजल्स डिसीज के बारे में। कम्युनिकेबल डिसीज थी मीजल्स डिसीज, उसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था क्या होती है मीजल्स डिसीज। कल हमने बताया था कि आपको क्या होती है मीजल्स डिसीज। आज तो आज उसका रिमेनिंग पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। कल क्या पढ़ा था हमने, इंट्रोडक्शन बताया था मीजल्स डिसीज के बारे में। मीजल्स डिसीज हम थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करते थे, मीजल्स डिसीज क्या होती है। मीजल्स डिसीज क्या होती है, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज होती है और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन किस्म होती है चिल्ड्रन में, क्या पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमन होती है। अडल्ट में डेंजर होती है, बट अडल्ट में हो सकती है बट कैसी रहती है, डेंजर होती है। और एयरबोन डिसीज भी होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने इसके बारे में डिस्कस किया था मीजल्स डिसीज के पॉजिटिव एजेंट। बी पॉजिटिव एजेंट क्या होता है मीजल्स डिसीज का, मीजल्स डिसीज का पॉजिटिव एजेंट होता है रूबियोला वायरस। क्या होता है, रूबियोला वायरस। आया समझ में आता, रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस क्या होता है, एक आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है। क्या होता है रूबियोला वायरस, एक आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है, ठीक है। आरएनए पैरामिक्सो वायरस को आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है। आया यहाँ पर समझ में सभी स्टूडेंट, कल आपने हमारी वीडियो देखी हो, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ऐसी, लेकिन बट पर डे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना एवं बेल आइकन पर क्लिक करना, ठीक है। हमने डिस्कस किया था मीजल्स डिसीज के बारे में, कम्युनिकेबल डिसीज में क्या आती है मीजल्स डिसीज। क्या होती है मीजल्स डिसीज, ठीक है। कल हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था मीजल्स डिसीज के बारे में, क्या होती है इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ा था मीजल्स डिसीज का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था मीजल्स डिसीज के बारे में, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, क्या होता है पॉजिटिव एजेंट मीजल्स डिसीज का, बताएगा कोई स्टूडेंट, कल हमने बताया तो अभी बताया है थोड़ी बहुत देर में। क्या होता है मीजल्स डिसीज का पॉजिटिव एजेंट, बताए जल्दी कोई भी स्टूडेंट्स, क्या होता है, बताया था अभी रूबियोला वायरस। क्या होता है रूबियोला वायरस, ठीक है। ये क्या होता है रूबियोला वायरस, आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है। क्या होता है आरएनए पैरामिक्सो वायरस, क्या होता है पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस क्या होता है, आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है। क्या होता है रूबियोला वायरस, आरएनए पैरामिक्सो वायरस। कल हमने डिस्कस कर लिया था, इसके बाद भी बताया था कि टाइप्स ऑफ आरएनए वायरस, आरएनए कितने टाइप्स का रहता है, आरएनए निम्न टाइप्स के रहते हैं, नंबर ए पैरामिक्सो वायरस, मायोमिक्सो वायरस, टॉपो वायरस और कौन सा बताया था पैरामिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसके बारे में इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में, कितना इनक्यूबेशन पीरियड रहता है, 10 से 14 डेज क्या रहता है इनक्यूबेशन पीरियड, क्या रहता है मीजल्स डिसीज का इनक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, इनक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है 10 से 14 डेज। आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कितना क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था आइसोलेशन पीरियड, आइसोलेशन पीरियड कितना रहता है 7 डेज का बताया था, याद आ रहा है कुछ कोचिंग के स्टूडेंट्स और हमारे लाइव स्टूडेंट्स जो भी हमारी वीडियो देख रहा हो उनको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, पुरानी हमारी वीडियो देखी हो उसमें इनक्यूबेशन पीरियड, आइसोलेशन पीरियड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, कोई भी क्या है डिसीज हो रही है और उसको कितने लेवल के प्रिवेंशन में रखते हैं, बताया था क्वेश्चन CHO मामला क्वेश्चन बताया था, जैसे क्या है मीजल्स डिसीज है, क्या है डिसीज है प्लस क्या हो रहा है आइसोलेशन, आइसोलेशन में रखते हैं तो किसमें आएगा सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन आएगा, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में, लेवल प्रिवेंशन। और क्या हो रही है नो डिसीज प्लस आइसोलेशन, क्या है कोई भी डिसीज नहीं है तो किसमें आता है प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में,
आया याद स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कल आपके लिए डिसीज आइसोलेशन सेकेंडरी पीरियड, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था इंक्यूबेशन पीरियड, बताया था कितना रहता है इंक्यूबेशन पीरियड, 10 से 14 डेज। क्या होता है इंक्यूबेशन, जिसे बोलते हैं बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर साइन सिम्टम्स अपीयर होने तक का समय क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। आया समझ में, क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर साइन सिम्टम्स अपीयर होने तक का समय क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रूट ऑफ एंट्री क्या रहती है, रूट ऑफ एंट्री। रूट ऑफ एंट्री बताएगा कोई स्टूडेंट्स, पुरानी हमारी वीडियो देखी हो कल की, तो क्या रहती है रूट ऑफ एंट्री, रूट ऑफ एंट्री बताया जल्दी कोई भी स्टूडेंट्स, किस रूट से एंट्री कर सकता है मीजल्स डिसीज, किस रूट से एंट्री कर सकती है, किससे, रेस्पिरेटरी रूट से, किससे, रेस्पिरेटरी रूट से एंट्री कर सकती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बताएगा कोई स्टूडेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है। नंबर एक एयरबोर्न डिसीज, एयरबोर्न डिसीज, एंड कौन सा रहता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाय स्नीजिंग, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाय स्नीजिंग, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या आता है, एयरबोर्न डिसीज और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाय स्नीजिंग। अब इसके प्रीकॉशन होता है तो कोई स्टूडेंट प्रीकॉशन क्या रहते हैं, क्या क्या प्रीकॉशन रहते हैं बताएं कोई स्टूडेंट्स, प्रीकॉशन क्या रहते हैं। अरे क्या हो रहा है, एयरबोर्न डिसीज रेस्पिरेटरी रूट से कोई भी क्या हो रही है डिसीज एंट्री हो रही है, तो क्या प्रिकॉशन यूज करेंगे, जैसे कोरोना वायरस हुआ था कोरोना वायरस के लिए क्या प्रिकॉशन यूज कर रहे थे, ग्लव्स सैनिटाइजर मास्क, ऐसे ही किसमें यूज करेंगे प्रिकॉशन, ग्लव्स मास्क और फेस शील्ड और सैनिटाइजर ETC एसेट्रा। आया समझ में यहां तक मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके बाद हमने यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कल के टॉपिक में, इसके बाद हम डिस्कस बताए थे एज, किस एज को सबसे ज्यादा अफेक्टेड करती है और किस सीजन को, देखो एज सबसे ज्यादा किस एज को अफेक्टेड करती है, मीजल्स डिसीज सबसे ज्यादा किस एज को अफेक्टेड करती है और किस सीजन में होती है, सीजन में क्या आएगा, विंटर सीजन में सबसे ज्यादा, विंटर सीजन में, सीजन में क्या, विंटर सीजन। विंटर सीजन में सबसे ज्यादा मीजल्स डिसीज होने का चांस रहते हैं, बट किसी भी सीजन में हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि विंटर सीजन में ही हो, बट सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, विंटर सीजन में होने के चांस रहते हैं, बट किसी भी सीजन में हो सकती है। इसमें डाउट है किसी स्टूडेंट को, सीजन में विंटर सीजन में होने के सर्वाधिक चांस रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत किसी भी सीजन में हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि और सीजनों में नहीं हो, बट हो सकती है, ठीक है। इसके बाद एज, किस एज को सबसे ज्यादा अफेक्टेड करती है, एज ये किस एज को अफेक्टेड करती है सबसे ज्यादा, चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन एज को सबसे ज्यादा क्या करती है, अफेक्टेड करती है, और किसको, 9 मंथ से लेकर 3 ईयर तक के चाइल्ड, 9 मंथ टू 3 ईयर सबसे ज्यादा अफेक्टेड करती है, किस एज को अफेक्टेड करती है, 9 मंथ से लेकर 3 ईयर तक के बच्चे को सबसे ज्यादा अफेक्टेड करती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 9 मंथ से लेकर 3 ईयर के बच्चों को ही क्यों कर रही है, जन्म से क्यों नहीं कर रही, जन्म से क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि 9 मंथ से ही क्यों कर रही है, वैसे आंसर तो किसमें, चिल्ड्रन को सबसे ज्यादा अफेक्टेड करती है, बट 9 मंथ से लेकर 3 ईयर तक के बच्चे को सबसे ज्यादा अफेक्टेड करती है, 9 मंथ से बिलो वाले बच्चे को अफेक्टेड नहीं करती, क्योंकि
बच्चों क्या करती है, मदर से क्या करता है, मिल्क मिलता है, उससे क्या मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। देखो 9 मंथ तक सबसे ज्यादा अफेक्टेड करती है, लेकिन क्या करते हैं चिल्ड्रन आर मोर अफेक्टेड, चिल्ड्रन में क्या करते हैं मोर अफेक्टेड, बट एडल्ट में भी हो सकती है, ठीक है। बट 9 मंथ में क्यों नहीं करती है? देखो मिल्क मिल्क मिलता है मदर से, मैटरनल मिल्क प्रोवाइड, मैटरनल मिल्क प्रोवाइड, मैटरनल मिल्क क्या प्रोवाइड करता है, कौन सी इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। मैटरनल मिल्क प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जन्म से लेकर 9 मंथ तक मैटरनल मिल्क बच्चा क्या करता है, मदर का दूध पीता है, उससे क्या करती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, इसलिए मीजल्स डिसीज होने के कम चांस रहते हैं 0 से 9 मंथ तक, इसलिए सबसे ज्यादा क्या रहती है 9 मंथ से 3 ईयर तक रहती है। आया समझ में? एज कोई स्टूडेंट्स कोचिंग का स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो एज में और सीजन में, 9 मंथ से 3 ईयर तक क्या रहती है अफेक्टेड करती है सबसे ज्यादा है, चिल्ड्रन में रहती है, बट किसमें, चिल्ड्रन में भी किस एज को अफेक्टेड करती है 9 मंथ से लेकर 3 ईयर तक, 9 मंथ तक, 0 से लेकर 9 मंथ तक क्यों अफेक्टेड नहीं करती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है मिल्क मदर का क्या पीता है, दूध पीता है, जिससे कि बच्चे को 9 मंथ तक कम होने के चांस रहते हैं, मीजल डिसीज होने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मिलती है किससे, मिल्क से, मदर के मिल्क से क्या मिलती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। आया समझ में यहां तक? बताओ कोई भी स्टूडेंट, रनिंग नोट्स बना लो। दूसरी टीवी, थर्ड कौन सी है इन्फ्लुएंजा, और कौन सी है फोर्थ, बताइए जल्दी स्टूडेंट लाइव, इन्फ्लुएंजा फोर्थ कौन सी है, चिकन पॉक्स, ठीक है, ये क्या करते हैं एयरबोन डिसीज रहती है, ठीक है। आया समझ में? अब आपको क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ फॉलोइंग एयरबोन डिसीज, अब देखो क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग इज एयरबोन डिसीज, इज एयर बोर्न डिसीज, आंसर पहला क्या है मीजल्स, दूसरा क्या है टीबी, तीसरा क्या है इन्फ्लुएंजा, फोर्थ क्या है स्मॉल या चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, हो गए कंफ्यूज स्टूडेंट, यस हो गए कंफ्यूज, एयरबोन डिसीज कौन कौन सी आती है, मीजल्स टीबी इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स, और क्वेश्चन आ गया सीएचओ में, विच ऑफ फॉलोइंग इज एयरबोन डिसीज, कौन सी रहती है एयरबोन डिसीज, विच ऑफ फॉलोइंग इज एयरबोन डिसीज, बताओ जल्दी आंसर, छोटी छोटी बात है और सिलेक्शन, बताओ आंसर जल्दी,
जो स्टूडेंट आंसर बताएगा CHO में पक्का लगेगा, नॉर्थ साइड में भी लगाएगा। बाजी जल्दी बताओ आंसर, कोचिंग वाले स्टूडेंट्स, अरे बताओ जल्दी, कोई ना कोई सा लाइव स्टूडेंट बता दो, बताओ जल्दी कोई सा, जल्दी। पूजा शर्मा, पूनम, अपेक्षा, जल्दी बताओ कोई सी स्टूडेंट्स। बच्चों फॉलोइंग इज एयरबोन डिसीज, मीजल्स, टीवी इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स, छोटी छोटी बातें और सेलेक्शन। क्या आ रहा है? छोटी छोटी बातें, यहाँ तो क्या बताया था, एयरबोन डिसीज, मीजल्स, टीवी इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स, सभी क्या रहती है, एयरबोन डिसीज है। यस, आंसर क्या जाएगा, मीजल्स, क्या जाएगा, मीजल्स, छोटी छोटी बातें और सेलेक्शन, लिख लो। बच्चों फॉलोइंग इज एयरबोन डिसीज, चिकन पॉक्स में इन्फ्लुएंजा, टीबी और मीजल्स, आ सकता है आंसर, मीजल्स आंसर आएगा, देख लो जल्दी, धमाकेदार क्वेश्चन है। आया समझ में? अब आप बताओ मीजल्स का टीका, बताओ को स्टूडेंट्स, मीजल्स का टीका कब लगाया जाता है, मीजल्स का टीका कब लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, अभी बताया था, डिसीज कब हो रही थी, 9 मंथ से लेकर, कब हो रही थी, 9 मंथ से कब हो रही थी, 3 ईयर तक, 3 ईयर तक डिसीज हो रही थी, 9 मंथ से 3 ईयर तक, 9 मंथ से पहले क्यों नहीं रही थी, क्योंकि क्या हो रही थी, बच्चों को क्या मिल रही थी, इम्यूनिटी मिल रही थी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मिल रही थी, किससे, मैटरनल मिल्क से। तो मीजल्स डिसीज का टीका कब लगाया जाता है, 9 मंथ पे, 9 मंथ पे, बोलोगे नहीं, कब लगाया जाता है मीजल्स डिसीज का टीका, 9 मंथ पर। आया समझ में, यहाँ तक देख लो, चलो आया समझ में मीजल्स डिसीज के बारे में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, मीजल्स डिसीज क्या होती है, ठीक है, क्या होती है मीजल्स डिसीज, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज है, और क्या करती है, मोस्ट कॉमनली क्या करती है, चाइल्ड में सबसे ज्यादा रहती है, मोस्ट कॉमन किसमें रहती है, चाइल्ड में रहती है, बट अडल्ट में क्या रहती है, डेंजर होती है, लेकिन एयरबोन डिसीज भी होती है, क्या रहती है, एयरबोन डिसीज, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में स्टूडेंट को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव एजेंट के बारे में, क्या होता है इसका पॉजिटिव एजेंट, क्या होता है, रूबियोला वायरस, रूबियोला वायरस होता है, मीजल्स डिसीज का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, रूबियोला वायरस होता है, रूबियोला वायरस क्या होता है, आरएनए पैरामिक्सोवायरस होता है, रूबियोला वायरस क्या होता है, आरएनए पैरामिक्सोवायरस कैटेगरी से क्या करता है, डिनोट करता है, किससे डिनोट करता है, आरएनए पैरामिक्सोवायरस कैटेगरी से क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में, क्या रहता है इसका इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं, बॉडी में, क्या, बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर साइन सिम्टम्स अपीयर होने तक का समय क्या कहलाता है, बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर साइन सिम्टम्स अपीयर होने तक का समय क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड, कितना रहता है, 10 से 14 डेज, 10 से 14 डेज। उसके बाद हम डिस्कस किया था आइसोलेशन के बारे में, आइसोलेशन पीरियड कितना रहता है, 7 डेज। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाय स्नीजिंग बताया था। उसके बाद सीजन किस में, विंटर सीजन, बट किसी भी सीजन हो सकती है, बट सबसे ज़्यादा किस में रहती है, विंटर सीजन में, ठीक है। उसके बाद एज, 9 मंथ से 3 ईयर में सबसे ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, ठीक है, 9 मंथ से पहले क्यों नहीं होती है, क्योंकि क्या करती है, मदर से क्या बच्चों क्या मिलता है, मैटरनल मिल्क, ठीक है, इसलिए। उसके बाद एयरबोन डिसीज कौन कौन सी होती है डिस्कस किया था यहाँ तक, अब आगे डिस्कस करते हैं साइलेंट सिम्टम्स के बारे में, किसके बारे में, साइलेंट सिम्टम्स, मीजल्स डिसीज के क्या क्या साइलेंट सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना एवं अपने सभी साथियों तक पहुँचाना, ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही पर डे वीडियो लेकर आएंगे। अगर ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें एवं बेल आइकन को
क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं मीजल्स साइन सिम्टम्स के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। क्या होता है साइन एंड सिम्टम्स, क्या रहता है मीजल्स डिजीज का साइन एंड सिम्टम्स? मीजल्स डिजीज का साइन सिम्टम्स तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर एक प्री इरप्टिव स्टेज, कौन सी रहती है? प्री इरप्टिव स्टेज। प्री इरप्टिव स्टेज कौन सी रहती है, जिसे प्रोडर्मल स्टेज भी कहते हैं। प्री इरप्टिव स्टेज, प्री इरप्टिव जिसे प्रोडर्मल स्टेज बोलते हैं, करो प्रोडर्मल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरप्टिव स्टेज या प्रोडर्मल स्टेज, ठीक है। इसमें अर्ली साइन सिम्टम्स क्या रहता है? अर्ली साइन सिम्टम्स। प्रोडर्मल स्टेज में क्या रहता है? अर्ली साइन सिम्टम्स। क्या रहता है? प्रीएम्प्टिव स्टेज या प्रोडर्मल स्टेज। नंबर एक इसमें क्या रहता है? अर्ली साइन सिम्टम्स। अर्ली साइन सिम्टम्स में क्या आएगा? फीवर। क्या आएगा? फीवर। उसके बाद बताइए जल्दी कोई भी स्टूडेंट्स, फीवर आएगा और क्या होगा? फटीग होगा। फर्स्ट साइन सिम्टम्स क्या आता है? फर्स्ट साइन कौन सा आता है? फीवर का आता है। फर्स्ट साइन कौन सा आएगा? फीवर। अर्ली साइन सिम्टम्स में क्या होता है? सबसे पहले कौन सा आता है? फीवर। उसके बाद फटीग और कोराइजा होगा या रनी नोज, राइनोरिया। क्या होता है? रनी नोज। रनी नोज और क्या हो जाएगा? राइनोरिया जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रनी नोज को क्या बोले? नाक बहना जैसे, ठीक है। और क्या हो जाएगा? स्नीजिंग और स्नीजिंग और बताओ जल्दी स्टूडेंट्स, स्नीजिंग, राइनोरिया जिसे रनी नोज बोलते हैं, फटिग और फीवर। फीवर क्या आता है? फर्स्ट साइन आता है अर्ली साइन सिम्टम्स में, कौन सी? प्रीएम्प्टिव स्टेज में, ठीक है। और क्या आएगा? एक्सेसिव टर्न, और क्या आएगा? लेग क्रैमेशन। आया समझ में? कौन सी रहती है अर्ली साइन सिम्टम्स, कौन सा रहता है? आया समझ में? प्री इरप्टिव स्टेज, प्री इरप्टिव स्टेज को भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर एक अर्ली साइन सिम्टम्स, उसके बाद आता है कंफर्म, उसके बाद आएगा कौन सा साइन सिम्टम्स? प्री किसना स्पेशल साइन सिम्टम्स। ये क्या रहोगे? अर्ली साइन सिम्टम्स प्री इरप्टिव स्टेज के। मीजल्स डिजीज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है साइन सिम्टम्स को? नंबर एक प्री इरप्टिव स्टेज, ठीक है। प्री इरप्टिव स्टेज को भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर एक अर्ली साइन सिम्टम्स, उसके बाद आता है कौन सा? स्पेशल साइन सिम्टम्स, और उसके बाद आता है कन्फर्मेटिव साइन सिम्टम्स। पहला लिख लिया अर्ली साइन सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद आएगा कौन सा? स्पेशल साइन सिम्टम्स। स्पेशल साइन सिम्टम्स कौन सा आएगा? स्पेशल साइन सिम्टम्स। पहला कौन सा था? अर्ली साइन सिम्टम्स। ये क्या? स्पेशल साइन सिम्टम्स। स्पेशियल साइन एंड सिम्टम्स, स्पेशल साइन सिम्टम्स क्या आएगा? नंबर एक कौन सा होता है स्पेशल साइन सिम्टम्स? कफिंग। दूसरा, पहला क्या है? कफिंग। दूसरा क्या है? कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस। और थर्ड होता है कोराइजा। क्या होता है? कोराइजा। क्या हो रहा है? क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेशन म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, कोराइजा। क्या रहते हैं? स्पेशियल साइन सिम्टम्स रहते हैं। किसके? प्री इरप्टिव स्टेज, जिसे प्रोडर्मल स्टेज भी बोलते हैं। प्रोडर्मल स्टेज को कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है? थ्री स्टेज में। नंबर एक पहली की थी अर्ली साइन सिम्टम्स, उसके बाद कौन सा था? स्पेशियल साइन सिम्टम्स। स्पेशियल साइन सिम्टम्स में थ्री, पहली क्या थी? कफिंग। उसके बाद का कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। उसके बाद कोराइजा। कोराइजा क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या होता है?
स्पोराइजा क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी की म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होना, इन्फ्लामेशन होना, क्या कहलाता है, स्पोराइजा। आया साइंस सिम्टम समझ में स्टूडेंट्स, क्या आया समझ में? स्पेशल साइन सिम्टम्स कौन से रहते हैं मीजल्स डिसीज के प्रोड्रमल स्टेज में? साइन सिम्टम्स क्या रहते हैं, स्पेशल कफिंग, सेकंड है कंजंक्टिवाइटिस, और थर्ड है कोराइजा। कोराइजा क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी की म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होना, इन्फ्लामेशन होना, क्या कहलाता है, कोराइजा। उसके बाद कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजंक्टिवा में इन्फ्लामेशन होना। आया समझ में? इसके बाद देखते हैं कन्फर्मेटिव साइन सिम्टम्स। कन्फर्मेटिव साइन सिम्टम्स कौन सा होता है, कॉपलिक स्पॉट, हमने देखा होगा आपने क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीएचओ में बहुत बार पूछे जाने वाला, एम्स में, नॉर्थसाइड में, ईएसआईसी में, पीजीआई में, डीएसएसबी में, बीएचयू में, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन होता है, स्पेशल साइन सिम्टम्स नहीं, कन्फर्मेटिव साइन सिम्टम्स ऑफ मीजल्स डिसीज क्या होता है, कॉपलिक स्पॉट। देखो कन्फर्मेटिव साइन सिम्टम्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, कन्फर्मेटिव साइन एंड सिम्टम्स, देखो थर्ड कन्फर्मेटिव साइन एंड सिम्टम्स कौन सा है, कॉपलिक स्पॉट, क्या है, कॉपलिक स्पॉट। क्या हुआ, कॉपलिक स्पॉट, आया समझ में, क्या होता है कॉपलिक, कॉपलिक स्पॉट क्या रहता है, कन्फर्मेटिव साइन एंड सिम्टम्स। कॉपलिक स्पॉट क्या होता है, साल्ट लाइक रेसेस विद रेड बेसेस, साल्ट लाइक बेसेस, साल्ट लाइक बेसेस विद रेड बेस, विद रेड बेस, आया समझ में, साल्ट लाइक बेस विद रेड बेस, क्या होता है इसमें, व्हाइट कलर पेचेज क्या होते हैं, रेड बेस में हो जाते हैं, क्या करते हैं, व्हाइट लाइट, देखो क्या होता है, व्हाइट कलर के पेजेस क्या होते हैं, इसमें कॉपलिक स्पॉट में क्या होता है, व्हाइट कलर पेजेस, व्हाइट कलर के पेजेस कैसे हो जाते हैं, व्हाइट कलर पेजेस विद रेड बेस, पेजेस विद रेड बेस, विद रेड बेस, सीन ऑफ नियर फर्स्ट एंड सेकंड मोलार टीथ, स्पेस सीन इन फर्स्ट एंड सेकंड मोलार टीथ, किस पे, फर्स्ट और सेकंड मोलार टीथ पे क्या होते हैं, सीन होते हैं, और अपर बुकल म्यूकोसा, अपर बक्कल म्यूकोसा ऑफ अपर बक्कल म्यूकोसा, ठीक है, आया समझ में। व्हाइट कलर के क्या आते हैं, पेचेज जो कि रेड बेस होते हैं, सीन इन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड मोलार टीथ पे क्या होते हैं, सीन होते हैं, मेजर डिसीज में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्पॉट देखने को मिलते हैं, जो कि क्या होते हैं, व्हाइट कलर के पेचेज होते हैं जो कि रेड कलर के दिखाई देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड मोलार टीथ पे ऑफ अपर बक्कल म्यूकोसा पे, ठीक है, अपर बक्कल म्यूकोसा क्या क्या दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर के पेचेज या रेड बेस, आया समझ में, जिसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्पॉट, या क्या होता है, कन्फर्मेटिव, या क्या होता है, कन्फर्मेटिव साइन एंड सिम्टम्स, कॉपलिक स्पॉट क्या होता है, कन्फर्मेटिव साइन एंड सिम्टम्स, सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, वेरी 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 मोस्ट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कन्फर्मेटिव साइन सिम्टम्स ऑफ मीजल्स डिसीज क्या होता है,
टॉपलिक स्पोर्ट राजस्थान सीएचओ में पूछा गया था राजस्थान सीएचओ में पूछा गया था। अभी जो राजस्थान सीएचओ पेपर हुआ था 2020 में उसमें पूछा गया था। ठीक है, आया समझ में? पहली इरप्टिव स्टेज और प्रोनर्मल स्टेज आई समझ में? पहली स्टेज, सेकंड स्टेज कौन सी है? डिग्री है, रनिंग नोट्स बना लिए सभी स्टूडेंट ने। इरप्टिव स्टेज पहली कौन सी थी? इरप्टिव स्टेज, और सेकंड कौन सी है? इरप्टिव स्टेज। सेकंड कौन सी है? इरप्टिव स्टेज। ठीक है, इसमें रेसेस स्टार्ट टू अपीयर वोकल पेपुलर रेसेस क्या होते हैं? बैक्लो पेपुलर रेसेस हो जाते हैं। इसमें रेसेस स्टार्ट कैसे होते हैं? बैक्लो पेपुलर रेसेस क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। रेसेस स्टार्ट टू अपीयर मैक्यूलो पेपुलर, मैक्यूलो पेपुलर रेसेस क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। मैक्यूलो पेपुलर रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में यहां तक? मैक्यूलो पेपुलर रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपको डिस्कस किया होगा मैक्यूलो पेपुलर वेसिकल्स क्या क्या होते हैं। मैक्यूलो क्या होता है? मैक्यूलो कोई बताएगा स्टूडेंट्स? मैक्यूलो क्या होता है? हल्का रेड, जैसे क्या हो गई? हल्की रेडनेस हो गई। क्या हो गई? हल्की रेडनेस, हल्की रेडनेस इन स्किन, उसको क्या बोलते हैं? मैक्यूलो। और पैपुलर किसे बोलते हैं? हल्का फूला हुआ, जैसे क्या हुई? रेडनेस हो गई स्किन पे, क्या हुई? रेडनेस, वो क्या हो गई? फूल गई, हल्का फूला हुआ, हल्का फूला हुआ क्या बोलते हैं? पेपुलर। आया समझ में? रेसेस स्टार्ट टू अपीयर मैक्यूलो पेपुलर मतलब हल्के रेड कलर के और हल्के फूले हुए क्या रेसेस क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। किसमें? इरप्टिव स्टेज में। इरप्टिव स्टेज में क्या होता है? रेसेस स्टार्ट टू अपीयर मैक्यूलो पेपुलर मतलब हल्के रेड कलर के और हल्के फूले हुए क्या होते हैं? रेसेस क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। आया समझ में? इरप्टिव स्टेज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें एवं अपने सभी साथियों तक हमारे चैनल या हमारी वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि उनके अपने साथियों का भविष्य बन सके। ठीक है, आया समझ में? प्रोडर्मल जैसे प्री इरप्टिव स्टेज या जिसे प्रोडर्मल स्टेज बोलते थे, उसके बाद कौन सी थी? इरप्टिव स्टेज। उसके बाद है पोस्ट इरप्टिव स्टेज, पोस्ट इरप्टिव स्टेज। थर्ड कौन सी है? पहली कौन सी थी? प्री इरप्टिव, सेकंड है इरप्टिव, और थर्ड है पोस्ट इरप्टिव। पोस्ट इरप्टिव स्टेज, ठीक है, क्या होती है? स्टार्ट टू रिकवर इफ नॉट रिकवर, स्टार्ट टू रिकवर, रिकवर स्टार्ट टू रिकवर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट टू रिकवर इफ नॉट रिकवर, इफ नॉट रिकवर, if not recover can cause death, can cause death क्या होता है? can cause death start हो जाता है recover होना। अगर recover नहीं होती है तो patient क्या हो जाती है? death हो जाती है। ठीक है, क्या कारण होगा? death। इसमें सबसे पहले sentence क्या आएगा? fatigue, और क्या आएगा? फटीग,
फटीग होने के चांस रहते हैं, और फीवर क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, फीवर सबसाइड, और फीवर क्या होगा, सबसाइड हो जाएगा। और बताएंगे वो स्टूडेंट्स ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, फटीग, फीवर सबसाइड, ग्रोथ रिटार्डेशन, वेट लॉस, इरिटेट वेट लॉस, इरिटेट ठीक है, आया समझ में। सबसे पहली कौन सी थी, फिर अब इरप्टिव स्टेज, प्री इरप्टिव स्टेज को देखो दोबारा से स्टूडेंट सभी, प्री इरप्टिव स्टेज कौन सी थी पहली, प्री इरप्टिव स्टेज, प्री इरप्टिव स्टेज को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया था, कौन सा पहला क्या कौन सा था, अर्ली साइन सिम्टम्स, अर्ली साइन सिम्टम्स कौन था, फर्स्ट साइन क्या आ रहा था, फीवर आ रहा था, उसके बाद कौन सा था, स्पेशल साइन सिम्टम्स, स्पेशल साइन सिम्टम्स कौन से थे, कफिंग, कंजक्टिवाइटिस और कोराइजा, कोराइजा क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी की म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होना, इन्फ्लामेशन होना, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवाइटिस, आया स्पेशल साइन सिम्टम्स समझ में। उसके बाद था कन्फर्मेटिव टेस्ट, कन्फर्मेटिव टेस्ट थर्ड कौन सा था, कन्फर्मेटिव, कन्फर्मेटिव टेस्ट में कौन सा था, कौन सा, कॉपलिक स्पोर्ट, कॉपलिक स्पोर्ट में क्या था, फर्स्ट एंड टीथ, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार जो टीथ होते हैं उन पे क्या होता, वाइट एंड रेड कलर के रेसेस दिखाई देते थे, उसको क्या बोल रहे थे, कन्फर्मेटिव टेस्ट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, इरप्टिव स्टेज के बारे में, इरप्टिव स्टेज में क्या हो रहा था, रेसेस कैसे दिखाई देते थे, मैक्यूलोपैपुलर कलर के, कैसे, मैक्यूलो पैपुलर मतलब हल्के रेड एंड फूले हुए, स्टार्ट रेड कवर, कैसे, मैक्यूलो पैपुलर रेसेस क्या दिखाई दे रहे थे, इरप्टिव स्टेज। उसके बाद थी पोस्ट इरप्टिव स्टेज, इसमें क्या हो रहा था, रिकवर हो रहे थे, अगर रिकवर होता है नॉट रिकवर कैन डेथ, अगर नहीं होता है रिकवर तो कॉज डेथ हो जाएगी, उसमें वेट लॉस, फटीग, फीवर क्या हो जाएगा, सबसाइड, इरिटेट और ग्रोथ रिटार्डेशन, आया समझ में आता, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, इसकी क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं, ठीक है। उस सबसे पहला कौन सा होता है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और क्या होगा, ब्लड एग्जामिनेशन, कॉपलिक स्पोर्ट को एग्जामिनेशन करते हैं, और सबसे पहला कौन सा है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें क्या डिस्कस करते हैं, मदर का मिल्क पी रहा है बेबी, मदर का मिल्क पी रहा है नहीं पी रहा, या रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज, थ्री सी देखे बोलते, थ्री कौन से थे, सबसे पहले कफिंग, कंजक्टिवाइटिस और कोराइजा, चेक करते हैं एग्जामिनेशन में, क्या करते हैं, चेक करते हैं एग्जामिनेशन में, क्या कर रहे थे, थ्री सी, क्या कर रहे थे, थ्री सी, और क्या करते हैं, मदर मिल्क, मिल्क ठीक है, जिससे कॉपलिक स्पोर्ट का पता चल सके, और क्या कर रहे थे, ब्लड एग्जामिनेशन, सेकंड कौन सा है, ब्लड एग्जामिनेशन, आए समझे, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या क्या एग्जामिनेशन कर रहे थे, थ्री सी कंफर्मिंग क्या होता है, स्पेशल सिम्टम्स होते हैं, थ्री सी कफिंग, कंजक्टिवाइटिस और कोराइजा और मिल्क, जिससे कि कॉपलिक स्पोर्ट का पता चल सके। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, आया समझ में यहाँ तक, मैनेजमेंट क्या क्या मैनेजमेंट होता है, मीजल्स डिसीज का क्या क्या मैनेजमेंट होता है,
मैनेजमेंट, सबसे पहला मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट। प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट कौन सा होता है? नंबर एक वैक्सीनेशन, पहला कौन सा है? वैक्सीनेशन। पहला कौन सा है? वैक्सीनेशन। वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन देते हैं? मीजल्स वैक्सीन। कौन सी देते हैं? मीजल्स वैक्सीन दे रहे हैं। तो कब देते हैं? 9 मंथ में। कब देते हैं? 9 मंथ में कौन सी वैक्सीन देते हैं? मीजल्स वैक्सीन। या क्या मीजल्स वैक्सीन क्या करती है? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है मीजल्स वैक्सीन? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी प्रोवाइड क्या करती है? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और क्या करती है? स्टोरेज। और क्या करती है? स्ट्रॉन्गेस्ट वैक्सीन होती है। मीजल्स वैक्सीन कैसी रहती है? स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट वैक्सीन होती है। मीजल्स वैक्सीन कैसी रहती है? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और कैसी रहती है? स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और कैसी रहती है? 9 मंथ पर दी जाती है। और कैसी रहती है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। मीजल्स वैक्सीन कैसी रहती है? लाइव अटेन्यूएटेड। लाइव अटेन्यूएटेड आया समझ में? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन रहती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और कैसी रहती है? स्ट्रॉन्गेस्ट वैक्सीन रहती है। ठीक है, इसकी डोज कितनी रहती है? 0.5 ml रूट रहता है सबकुटेनियस। जल्दी बना लो रनिंग नोट्स सभी स्टूडेंट्स, रनिंग नोट्स जल्दी बना लो। क्या हो रहा है? देखो डोज कितनी रहेगी, जल्दी बताओ डोज। 0.5 ml और रूट क्या रहेगा? सबकुटेनियस। और कब लगाई जाती है? 9 मंथ पे। कब? क्या रूट डोज क्या है? 9 मंथ पे लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? 9 मंथ। कब लगाई जाती है? 9 मंथ में। एज कितनी रहती है? कितनी? 9 मंथ पे क्या लगाई जाती है? मीजल्स वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद मीजल्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? रेसेस फीवर। क्या आएगा? मीजल्स जैसे ही क्या हो गया, साइड इफेक्ट आएंगे कोई भी वैक्सीन लगा रहे हैं तो। साइड इफेक्ट्स ऑफ मीजल्स डिसीज, क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे इसके? मीजल्स डिसीज के क्या क्या साइड इफेक्ट? क्या आएंगे? रेसेस एंड रेसेस हो जाएगा। और क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे? रेसेस आएगा, फीवर आएगा एंड फीवर। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या रहेंगे मीजल्स डिसीज के? फीवर हो जाएगा या कोई भी मीजल्स वैक्सीन के या। ठीक है, आया समझ में? आता अब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। मीजल्स वैक्सीन गिव बाई रूट, गिव बाई किसके द्वारा दी जाती है? गिव बाई, नंबर एक क्वेश्चन है, आईएम रूट द्वारा। ठीक है, आईबी रूट द्वारा। थर्ड जल्दी बताए कोई भी,
थर्ड में क्या लिखूं, ओरली और इंट्रा कार्डियक, ओरली और इंट्रा कार्डियक, हो गए कंफ्यूज, पहले भी कंफ्यूज हुए थे एयरबोन डिसीज में और अब भी कंफ्यूज हो गए। बताओ जल्दी मीजल्स डिस्पेक्सी और बग बताया था सबकुटेनियस होता है रूट, तो बताया था रूट क्या रहता है सबकुटेनियस, हो गए कंफ्यूज स्टूडेंट। मीजल्स वैक्सीन गिव बाय किस रूट से मीजल्स वैक्सीन दी जाती है, ऑप्शन में क्या आ जाएगा आई एम रूट द्वारा, क्या आएगा ऑप्शन आई एम रूट द्वारा, ठीक है। कंफ्यूज होना है छोटी छोटी बात है, और सिलेक्शन ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पाने के लिए छोटी छोटी बातें हो, सिलेक्शन ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हमसे जुड़े रहें, ठीक है। बताया कोई भी स्टूडेंट्स मीजल्स वैक्सीन को स्टोर कहां पर करते हैं और क्या डाइल्यूएंट करते हैं, डाइल्यूएंट क्या करते हैं, डाइल्यूएंट मीजल्स वैक्सीन में डाइल्यूएंट क्या करते हैं, स्टेराइल वाइटर, नॉर्मल सलाइन यूज नहीं करते हैं, स्टेराइल वाइटर क्या करते हैं यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज भी नहीं करते क्योंकि यह क्या करता है इंजेक्शन का साइड पर क्या करता है इरिटेशन कर सकता है क्या, नॉर्मल सलाइन अगर हम डाइल्यूट करने के लिए मीजल्स वैक्सीन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सलाइन में तो क्या है इंजेक्शन साइट पे क्या कर सकता है इरिटेट उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसको स्टेराइल वाइटर में क्या करते हैं स्टोर करते डाइल्यूट करते हैं और इसकी फ्रीजर किसमें रेफ्रिजरेटर में रखते हैं इसको 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है, किससे 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, आ गई मीजल्स वैक्सीन दे दी, उसके बाद कौन सी वैक्सीन देते हैं कंबाइंड वैक्सीन देते हैं, कंबाइंड वैक्सीन में कौन सी देते हैं मीजल्स वैक्सीन में मीजल्स मम्स और रूबेला, पहली कौन सी दे रहे थे मीजल्स वैक्सीन का 9 मंथ पर दे रहे थे, उसके बाद क्या देते हैं वैक्सीनेशन में कंबाइंड वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन देते हैं कंबाइंड वैक्सीन में एम एम आर मीजल्स मम्स रूबियोला, आया मीजल्स मम्स और रूबियोला, इसकी डोज क्या रहेगी रूट रहता है किससे रूट रहता है सबकुटेनियस रूट, और ऑप्शन में सबकुटेनियस ही नहीं आए आई एम क्या ऑप्शन करना है आई एम रूट करना है रूट, एज किस एज पे दी जाती है बताए जल्दी कोई भी स्टूडेंट किस एज पे दी जाती है, मीजल्स को तो किस पे दे रहे थे 9 मंथ पे दे रहे थे और इसको कितने देते हैं 12-15 मंथ पर दी जाती है, ठीक है। रूट क्या रहता है सबकुटेनियस और डोज कितनी रहती है 0.5 ml, आया समझ में, गया मैनेजमेंट समझ में। सबसे पहले कौन सी दे रहे थे मीजल्स वैक्सीन दे रहे थे, मीजल्स वैक्सीन को कब दी जाती 9 मंथ पर, और उसके बाद कंबाइंड वैक्सीन देते हैं मीजल्स मम्स और रूबेला के, इसकी डोज दे रहते हैं सबकुटेनियस और डोज कितने रहती है 0.5 ml और एज कितने रहते हैं 12-15 मंथ पर दी जाती है, आया समझ में। यहाँ तक हमारी मीजल्स डिसीज क्या हो गई समाप्त हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना एवं आप ऐसी ही वीडियो पाने के लिए एवं ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना एवं अपने साथियों को तक पहुंचाना, ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक करना। अगर किसी भी स्टूडेंट में मीजल्स डिसीज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, हमारी रिमेनिंग वीडियो भी देख सकते हो, पुरानी वीडियो जो मीजल्स की है, आधा पार्ट सेकंड पार्ट है या फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, उसके बाद सेकंड पार्ट देखना है। पहले कौन सा देखना है, मीजल्स डिसीज का फर्स्ट पार्ट देखना है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखना। अगर किसी में कोई भी दिक्कत आती है किसी भी मीजल्स डिसीज की किसी भी पार्ट में या हमारी पुरानी वीडियो की किसी भी पार्ट में दिक्कत आती है, तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हो या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू जॉइनिंग फॉर दिस क्लास।